हेलो फ्रेंड्स, अगेन वेलकम टू माय चैनल। तो जैसे कि आप देख रहे होंगे कि मैंने अभी 2-3 वीडियोस गप्पी फिश के बारे में डाली थी, गप्पी फिश के टाइप्स के बारे में, मेल एंड फीमेल कैसे फाइंड आउट करें उसके बारे में। तो आज ऐसी मैं एक वीडियो लेकर आया हूँ गप्पी फिश के बारे में। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि हम गप्पी फिश के लिए कैसा सेटअप रखें और उन्हें हम कैसे एक्वेरियम में रख सकते हैं, और उनके टैंक मेट्स की भी मैं वीडियो डाली है, तो आप वो भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं और इसमें आपको अच्छे से जानने को मिलेगा कि हमें गप्पी फिश को कैसे टैंक में सेटअप करके रखना चाहिए ताकि वो अच्छी और एकदम ठीक रहे। एंड अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, और मेरी पहले की वीडियोज़ नहीं देखी है तो वो भी देख लीजिए, इस टॉपिक से रिलेटेड वीडियोज़ भी हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको मेन 3-4 चीज़ें बताऊंगा जो हम गप्पी फिश का टैंक रखे तो उसमें ज़रूरी होती हैं। तो लेकिन उससे पहले मैं आपको गप्पी फिश के बारे में कुछ मेन बातें बता दूं। तो फ्रेंड्स, सबसे फर्स्ट, जैसे आपको पता हो, गप्पी फिश एक छोटी साइज़ की फ़िश होती है जो ज़्यादा बड़ी ग्रो नहीं होती है, मैक्स अप टू 3-4 इंचेस तक जाती है, उससे ज़्यादा नहीं होती है। तो वो छोटी फिश है तो उसे हम छोटे टैंक में भी रख सकते हैं, पर हाँ, मिनिमम कम से कम 1.5 फीट से 2 फीट का तो होना चाहिए। और गप्पी फिश को हमें ग्रुप में रखना चाहिए, कम क्वांटिटी में रखना चाहिए। गप्पी फिश मिनिमम 4 से 5 तो होनी चाहिए, एंड उन्हें बड़ी फिशेस के साथ नहीं रखना चाहिए, क्योंकि जो बड़ी फिशेस होंगी, जैसे गोल्ड फिश के साथ रख देते हैं कई लोग, तो क्या होता है कि गप्पी फिश उनके फिन्स निप करती है, तो उससे आपकी गोल्ड फिश को प्रॉब्लम होती है। और जैसे मोली वगैरह डालते हैं तो वो भी ऐसी करती है, तो इसलिए आपको ज़्यादा छोटी फिशेस नहीं रखनी चाहिए, गोल्ड फिश या कोई भी बड़ी फिश होती है उनके साथ। और अगर एग्रेसिव फिशेस होगी तो वो आपकी गप्पी फिश को मार देगी, तो इसलिए आपको सही टैंक मेट्स रखने ज़रूरी है। तो चलो मैं आपको बता देता हूँ कि हमें कैसा टैंक सेटअप करना होता है। तो फ्रेंड्स, सबसे मेन, वैसे देखा जाए तो गप्पी फिश काफ़ी छोटी फिश होती है, और अगर उसे प्लांटेड एक्वेरियम में रखा जाए तो काफ़ी ब्यूटीफुल और अट्रैक्टिव दिखती हैं, उससे आपका प्लांटेड एक्वेरियम भी अच्छा दिखेगा गप्पी फिश रखने से। तो आपको गप्पी फिश वैसे देखा जाए तो नॉर्मली प्लांटेड एक्वेरियम में रखनी चाहिए, प्लांटेड एक्वेरियम में रखने से आपकी गप्पी फिश भी सही रहेगी और आपका एक्वेरियम बहुत ही ज़्यादा अच्छा, अट्रैक्टिव एंड ब्यूटीफुल दिखेगा। तो फ्रेंड, सेकेंड चीज़ है, आपके टैंक में नेचुरल सोइल होनी चाहिए अगर आप गप्पी फिश को रखेंगे तो, क्योंकि गप्पी फिश के लिए नेचुरल सोइल अच्छी रहती है, उससे कई फायदे होते हैं। आपको टेम्परेचर भी सही रखना चाहिए, तो आपको गप्पी फिश के लिए 22 से 25-26 तक के टेम्परेचर रखना चाहिए। अगर टेम्परेचर ज़्यादा हाई या लो होता है तो गप्पी फिश मर सकती है, क्योंकि गप्पी फिशेज भी ज़्यादा हार्डी फिशेस नहीं होती है, नॉर्मल होती है, तो मर सकती है टेम्परेचर के ज़्यादा रैपिडली अप या डाउन होने से। तो इसलिए उनका आपको टेम्परेचर का ध्यान रखना होता है। एंड फ्रेंड्स, अगर आप गप्पी फिश रख रहे हैं तो आपको ग्रुप में रखनी चाहिए, जैसा कि मैंने आपको भी बता दिया है। और आप ये नहीं कि अगर वो छोटी फिश है, ज़्यादा बड़ी नहीं होती है, तो आप बिल्कुल ही उन्हें छोटी जगह में रखेंगे, किसी बाउल में रख दें 6 या 8 इंच के, तो वो भी सही नहीं है फ्रेंड्स, उससे आपकी फ़िश हैप्पी नहीं रहेगी और उसे प्रॉब्लम होगी। तो इसलिए अगर आपको उन्हें प्रॉपर तरीके से रखना है तो कम से कम 1 से 1.5 फीट का टैंक तो रखना ही चाहिए, अगर आप छोटा टैंक भी रखना चाहते हैं तो। और प्लांटेड एक्वेरियम थोड़ा बड़ा अच्छा लगता है, तो आपको गप्पी फिश अगर प्लांटेड में रखनी है तो आपको नेचुरल सोइल डालनी पड़ेगी, प्लांट्स लगाने होंगे, तो फिर आप अपने हिसाब से कर सकते हैं जैसे करना है, पर उन्हें ज़्यादा छोटी जगह में नहीं रखना चाहिए, ये मैं आपको बता देता हूँ। एंड आप गप्पी फिश रखते हैं तो प्रॉपर लाइटिंग का होना भी ज़रूरी है। तो अगर आपको गप्पी फिश रखनी है तो आपको एक प्रॉपर लाइट भी लानी पड़ेगी, जो एक्वेरियम लाइट मिलती है। और प्लांट रखेंगे तो आपके प्लांट्स तो ख़राब ही हो जाएंगे अगर आप लाइट नहीं लाएंगे, तो लाइट लाना बहुत ज़रूरी है, तो आपको प्लांट्स वाली लाइट लानी पड़ेगी। और प्लांटेड एक्वेरियम में और गप्पी फिश हो तो ज़रूर आपको लाइट जलानी चाहिए 8 आवर्स की, और ज़्यादा भी जला सकते हैं, 9-10 आवर्स तक आप
एक्वेरियम की लाइट जला सकते हैं और ये ज़रूरी भी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो आपकी फ़िश हेल्दी नहीं रहेगी और जल्दी मर जाएगी। वैसे ज़्यादा लॉन्गर लाइफ जीने वाली फ़िश होती भी नहीं है गप्पी फिश, मैक्स अप टू 7 to 8 ईयर्स करती है, तो इसलिए आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा गप्पी फिश रखने से पहले। और हाइडिंग प्लेस भी होने ज़रूरी है, क्योंकि गप्पी फिश छोटी फिश होती है, हाइड करके रहना पसंद करती है और ग्रुप में रहना पसंद करती है, तो उसके लिए एक आपका हाइडिंग प्लेस कम से कम होना ही चाहिए गप्पी फिश के सही से रहने के लिए। तो जैसे मैंने आपको बताया, तो आप गप्पी फिश रखना चाहे तो बिल्कुल उस तरह से आप टैंक सेटअप करके रखिए। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।